हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फेडरल असेंबली ऑफ स्विट्जरलैंड, जैसे कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट होता है उनके यहाँ फेडरल असेंबली बोला जाता है। तो उनका फेडरल असेंबली अगर देखें तो उनमें भी दो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर में दो ही सदन है, एक है नेशनल काउंसिल और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो नेशनल काउंसिल को बोला जाता है पीपुल रिप्रेजेंटेटिव और काउंसिल ऑफ स्टेट को बोला जाता है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट के बारे में। अगर स्विट्जरलैंड को पार्लियामेंट को देखें तो वहाँ पर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। तो हम कुल मेंबर के बारे में बोलें तो टोटल रिप्रेजेंटेटिव बोलें तो वहाँ पर कुल होते हैं 246 मेंबर। कितना होते हैं? 246 मेंबर, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड मीन्स जो पीपल डायरेक्टली अपने द्वारा ही वोट करके भेजते हैं, ना कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। तो उनका जो दो चैम्बर का नाम है नेशनल काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट। जो नेशनल काउंसिल जो हम बोलते हैं तो नेशनल काउंसिल पीपुल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, जो पीपुल लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं जो कि प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। स्विस के पीपुल बिलीव करते हैं ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल के प्रिंसिपल में। फेडरल असेंबली जो स्विट्जरलैंड फेडरल लेजिस्लेचर, इट मीन्स इन बर्न इन फेडरल प्लेस। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो फेडरल असेंबली है जो कि उनके कैपिटल सिटी बर्न में देखने को मिलता है, वहाँ पर होता है, कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पर लगभग 200 सीट और 40 सीट विशिष्ट एक हाउस है, जहाँ पर लोग बैठकर अपने प्रोविंसेस के बारे में डिबेट डिस्कशन करते हैं और एक सटीक निर्णय पर आते हैं। जहाँ से हम 200 जो मेंबर होते हैं वो थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे हम बोलते हैं नेशनल काउंसिल, और जो 46 हैं जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम काउंसिल ऑफ स्टेट को डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली कितने मेंबर होते हैं और उसका जो चैम्बर कहां पर देखने को मिलता है। अगर चैम्बर का बात करें तो ये बॉर्न सिटी में देखने को मिलता है, जो कि उनका कैपिटल सिटी है, जिसको हम बोलते हैं अपर हाउस। उस अपर हाउस में टोटल होते हैं 46 मेंबर, जो कि अपने कैंटोन्स, अपने जो प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से 20 कैंटोन्स और प्रोविंसेस कितना रिप्रेजेंटेशन अपना रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं, दो में भेजते हैं मगर। और बाकी जो 6 के बारे में बात करें तो 6 क्या करते हैं, एक ही रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्विट्जरलैंड में कुल 26 कैंटोन जो कि उनका प्रोविंसेस हैं, जहाँ कि हम इंडिया में बोलते हैं जिसे स्टेट, तो वहाँ पर उनका टोटल 26 प्रोविंसेस देखने को मिलता है। तो उस 26 प्रोविंसेस से 20 से क्या होते हैं, दो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और 6 से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर होते हैं 46 रिप्रेजेंटेटिव जो कि अपने प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कौन से प्रोविंसेस से एक एक जाते हैं, जैसे कि ओवलडेन, देन है निदवलडेन, देन है बेजलस्टाडा, देन है बेजल लैंड सप्ट, देन है एपेंजेला, देन है ओसरोंडेन, देन है एपेंजेला इनोर जोड़ान। अब हम काउंसिल ऑफ स्टेट के टर्म पीरियड के बारे में देखेंगे। वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं, 4 साल खत्म होने के बाद फिर पुनर्बार उनको चुनाया जाता है। हम देखेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट में कौन सा पार्टी का दबदबा है और कौन सा पार्टी वहाँ पर पावरफुल है। अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड में तो स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर रिच पार्टी देखने को मिलता है, जहाँ पर मुख्यतः 5 पार्टी ही जिनका इम्पोर्टेंस और दबदबा देखने को मिलता है, जो है फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी, देन है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, देन है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, देन है स्विस पीपुल पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी। इन 5 पार्टी का बहुत ही दबदबा स्विट्जरलैंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इन पार्टी में से ही जितने भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और अदर कैबिनेट जितने भी होते हैं उनके भीतर ही होता है, जो कि हम एक फॉर्म का कोलिशन भी बोल सकते हैं। कोलिशन करके भी वो लोग पार्टी में से ही अपना मेंबर को चुनते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल जो कि उसका लोअर चैम्बर है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हम पहले से जानते हैं कि जो नेशनल काउंसिल में कुल कितने मेंबर होते हैं, 200 मेंबर होते हैं, जो कि अपने ही कोई डिस्ट्रिक्ट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से वो बहुत सारे एरिया से चुन चुन कर आते हैं। अगर हम नेशनल काउंसिल के टर्म पीरियड के बारे में बात करें तो उसका भी कितना साल होता है, 4 साल के लिए ही लोग उनको चुनते हैं, फिर 4 साल के बाद फिर पुनर्बार वहाँ पर इलेक्शन होता है, फिर नया रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। अगर हम देखेंगे तो जो मेंबर उनको चुनकर जाते हैं उनको कौन चुनता है, लोगों के द्वारा ही चुना जाते हैं। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। जो मेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो किस बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जहाँ से जितना पॉपुलेशन वहाँ से उतना ही रिप्रेजेंटेशन भेजा जाता है।
हम देखेंगे कि स्विस फेडरल असेंबली कहाँ पर बैठता है। तो स्विस फेडरल असेंबली जो कि स्विट्जरलैंड के कैपिटल सिटी बर्न सिटी में ही होता है, वहाँ पर एक बड़ा सा हाउस होता है जहाँ पर सब रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और डिबेट डिस्कशन करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली है, जैसे हमारा पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पर लोग रिप्रेजेंटेटिव सब जाते हैं और वहाँ पर डिबेट डिस्कशन करते हैं, वैसे ही स्विट्जरलैंड में उसका बर्न है, उसका कैपिटल सिटी जहाँ पर है पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पर लोग जाकर रिप्रेजेंटेटिव करते हैं और डिबेट डिस्कशन करते हैं। तो अभी हम देखेंगे तो स्विस फेडरल असेंबली कुल 200 मेंबर होते हैं। जो 200 मेंबर होते हैं डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट पार्टी हो सकता है स्विस डेमोक्रेटिक पार्टी हो सकता है, वो कंजर्वेटिव पार्टी हो सकता है, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी हो सकता है, वो बहुत से पार्टी से वो रिप्रेजेंट देते हैं और उनमें से एक सहमत बनकर वो सरकार बनाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में उसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ।